अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में आज एक नई पर्सनैलिटी के साथ, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं वो इंतहाई मोतबर हैं और उनकी इंटरनेशनल रिसर्च बहुत सारी चीज़ों में है। सबसे बढ़ के पानी, वाटर। वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ये जानेंगे हम स्पेशली उनसे। इंटरनेशनल वो मार्केटिंग एक्सपर्ट भी है, बहुत बड़ी रिसर्चेस के साथ, एक कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी उनका बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे खिदमात सर अंजाम दिए हैं और दे भी रहे हैं अभी तक। ये ख्वाबों का सफ़र कहाँ से चलता है और कहाँ तक पहुँचता है हम जानते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। जी हाँ, आप जान गए होंगे हरदिल अजीज जनाब वसीम अनवर बेग साहब से, और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो सर। इट्स रियली एन ऑनर के आप तशरीफ लाए और मुझे आप मौका दिया आज बात करने का, तो आई होप ओपनली बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट। जी बिल्कुल, ताकि आपके ऑडियंस जो है ना वो बजाय कोई इमिटेशन की बजाय किसी रियल बंदे से मिले। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे भी यही कि कुछ अंदर की बात बाहर आए। ज़रूर आएगी वसीम साहब। मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में, मैं बल्कि स्टार्ट ही यहाँ से लूँगा, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी है और आप माशाल्लाह इतने इंटेलेक्चुअल है, मैं बहुत सारी चीज़ें चाहे मिस ना कर जाऊँ अपने इंटरव्यू में, लेकिन असल में जिस बात पर हम बात करना चाह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, वो और वो है वाटर। और नो डाउट आपके वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, आप बल्कि वाटर एक्सपर्ट कहेंगे हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा ना कम लोग होंगे जो वाटर एक्सपर्ट होंगे। ये वाटर के ऊपर ही क्यों, नंबर वन, और ये क्या रिसर्च है आपकी, क्या काम आप कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं, और पाकिस्तान का वाटर जो इस मौजूदा लोग पी रहे हैं, नो डाउट वाटर इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, विदाउट वाटर लाइफ ही नहीं है, तो ये सारी थ्योरी क्या है सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे ताकि उनको इससे ज़्यादा मुस्तनीद और फ़ायदा पहुँचे। प्लीज़। थैंक यू मियाँ साहब, आपने जो पहला सवाल किया है वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस वक्त सारी दुनिया में ना एक बहुत बड़ा इशू है, और ये इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं, सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में भी और यूरोप अमेरिका में भी जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने डायरेक्टली ये सवाल पूछ लिया। बात यह है जी कि हम अपना ना बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो हमें यह भी नहीं पता होता कि वो क्यों है। अब आम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी ये फिक्रा के वाटर इज़ लाइफ, यानी पाकिस्तान पानी जो है ये ज़िंदगी है, लेकिन ये इतनी बुनियादी सी चीज़ है कि वो अक्सर लोग जो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कम तालीम याफ्ता हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं करते कि वाई वाटर इज़ लाइफ। लाइफ वाटर इज़ लाइफ जी, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना ये कोई 70% से ज़्यादा ये पानी है, और जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारा दिमाग है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा जिगर है, हमारे गुर्दे हैं और बहुत सारी और चीज़ें, ये कोई तकरीबन 80% के करीब ना पानी पानी। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है जी नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस वो ज्यूम करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को, हमारी तरह नहीं जहाँ 45-50 भी हो जाता है, कि अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप
रह रहे हैं तो आपको 2 लीटर पानी कम से कम रोज पीने की जरूरत है। लेकिन वो फिर कंडीशनल है कि अगर आप एग्जर्शन करते हैं, कोई मजदूरी कर रहा है या कोई पट्टी के ऊपर काम कर रहा है, वो ज्यादा, बिल्कुल उसकी पसीना ज्यादा आएगा, तो उसकी कंजम्पशन ज्यादा है। कि हमारे जो जो हमारे ऑर्गन्स हैं ना, जो हमारे अज़ा हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनको सेहतमंद रखने के लिए पानी चाहिए होता है। ये तो हो गया व्हाई वाटर इज लाइफ। अब फिर कंडीशन आती है कि जी एक अच्छे पानी में और एक बुरे पानी में फर्क क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनके पैरामीटर्स बने हुए हैं, ये भी WHO ने बड़ी रिसर्च करके, सारी दुनिया से डेटा इकट्ठा करके और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है उन्होंने बनाया कि उसका जो TDS है पानी का, उसमें यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, वो कितने होने चाहिए। मैं आपको उसमें चलने से पहले बताऊँ कि पानी में 3 तरह की किसाफतें होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक है जो केमिकल है, और एक है बायोलॉजिकल है। अब ये एक फैशन में आके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप TDS करते हैं, वो हमें थोड़ा सा पता लग गया, लेकिन उसकी लाइन का भी नहीं पता। हम या पानी की बोतलों के ऊपर, हर बोतल को बिक ही नहीं सकती, उस पर रिजल्ट दिया होता है। ये रिजल्ट है जो 1955 में इन्होंने वो किया था, आज भी वो चला रहे हैं। अब अगर सिर्फ उस पर चंद चीज़ें ऐसी हैं कि वो अगर हमारे मुल्क से बाहर जाए ना, किसी सिविलाइज मुल्क में, वो पानी ना बैन हो, वो कंपनी बैन हो जाए। अब वाहिद कंपनी जो यहाँ पे नज़र आती है, एक मैं नाम ले लेता हूँ उनका, वो मुझे नज़र आती है एक्वाफीना। उनका फाइन प्रिंट नहीं है, उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 105 TDS। अब हम फ्री टेस्टिंग सर्विसेज देते हैं जी वो लोगों को, जहाँ भी हो वहाँ पे, और हज़ार हमने टेस्ट किए हैं, हमें उनका कभी 105 से ज़्यादा नहीं मिला। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पानी में होती है उसका pH, यानी उसका हाइड्रोजन कंटेंट कितना है। वो 1/14 स्केल 7 इज नॉर्मल। अब 7 से वो कम होता है तो पानी एसिडिक हो जाता है, उसमें तेजाबियत आ जाती है। 7 से जब ज़्यादा होता है तो अल्कलाइन आ जाता है। अल्कली जो एंटीडोट है एसिडिटी की। अब फिर सवाल पैदा हो जाता है कि व्हाई 7 इज नॉर्मल। 7 इज नॉर्मल बिकॉज ह्यूमन ब्लड इज 7.01। ओके, अब जब आप वो पियेंगे पानी, एसिडिक पानी पीते जाएंगे आपकी बॉडी जो है वो तेजाबियत ज़्यादा हो जाएगी। वो जो कहते हैं ना हरीज वरीज एंड करीज, जो है वो आपका तेजाबियत हो जाएगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं, अब पानी जो है वो एसिडिक पी रहे होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेशुमार बीमारियाँ आजकल बहुत कॉमन है जी, ये कैंसर जो है। अब कैंसर जो है उसकी एक बड़ी वाज़े इंडिकेशन होती है कि आपकी एसिडिटी जो है जिस्म में वो बढ़नी शुरू होती है। वो इसलिए बढ़नी शुरू होती है कि आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो पलते ही बॉडी के एसिड्स पे, ठीक है जी। अब बात ये है जी कि आपकी बॉडी जब अल्कलाइन होएगी, आप अल्कलाइन पानी पीते जाएं और बॉडी आपकी ग्रेजुअली जो है अल्कलाइन हो जाएगी। जब आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी तो गूगल करें तो बड़ी अच्छी लाइन मिलती है कि अगर कैंसर भी होगा ना तो कैंसर सेल्स विल स्टार्व टू डेथ, क्यों, जब उन्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो भूखे ही मरना है ना उन्होंने। तो बात यह जी कि ये इतनी आसान बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। और इस वक्त आपने एक सवाल और बीच में, जो बहुत सारे आपके सवाल थे उनमें से एक और सवाल था कि हमारी इस वक्त जो है कंडीशन और ये साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए, आप ये देखें कि ये नवाज शरीफ रिजीम से पहले कोई तकरीबन 18 अरब रुपए खर्च कर चुके थे हम पंजाब में ये साफ पानी प्रोजेक्ट, साफ मुख्तलिफ जो थे, साफ पानी, चंगा पानी, मना पानी। ये मुशरफ साहब, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, ये सारे मिला के इनके जो शहबाज शरीफ की लास्ट गवर्नमेंट थी उसका जो बजट था सिर्फ पंजाब में साफ पानी प्रोजेक्ट का वो 25 अरब रुपए थे, ठीक है जी। जी जी, 25 अरब रुपए अगर किसी साफ पानी प्रोजेक्ट पे पंजाब क्या अगर पाकिस्तान लेवल पे ईमानदारी से खर्च किए जाए ना, तो मैं आपको एक दावे से कहता हूँ, मुझे दे दें 25 अरब रुपए। हर घर में,
ہر گھر میں دو چار بوتلیں منرل واٹر کی اگلے 10 سال تک مفت دینے پر تیار. امیزنگ. یہ لوٹ کے کھا گئے. جو پروجیکٹ آپ کا جس جگہ پہ 12-14-15 لاکھ روپے کا لگنا تھا وہ 50-50 لاکھ روپے اس پہ لے رہے تھے. میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ نہیں کہ میری ملاقات نہیں ہوئی, میری ہوئی, میری ابھی یہ چند ماہ پہلے گورنر سرور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, تو ان سے بھی میں نے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو وہ بنا دیا ہے یہ صاف پانی پروجیکٹ ہے ان شاء. تو بات یہ ہے جی کہ ابھی تک یا تو ان لوگوں کو احساس نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پیتے ہیں نا جی AVN, جی جی, ان کا پانی آتا ہی باہر سے, یہ تو دیسی پانی پیتے نہیں ہیں. یہاں پہ مرنا کس نے؟ میرے اور آپ کے بچوں نے, عام انسان نے, ٹھیک ہے. اب واسا گندے نالوں کے اوپر وہ لگا دیتا ٹیوب ویل, تو وہ تو سارا گند جو ہے ورچولی وی آر کنزیومنگ آور اون ویسٹ. اگر آپ گوگل ارتھ ایک پروگرام ہے وہ دیکھ کے دیکھیں نا, تو وی آر سراؤنڈیڈ بائی گندا نالاز, ہمارے چاروں طرف گندے نالے ہیں اور ٹیوب ویل ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سارا پانی وہ کچے ہیں, ان میں سے سارا پانی رس کے جو ہے نا وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور ہم وہی نکال کے دوبارہ اس کو دیکھیں جی. ایک وہ ٹی ڈی ایس چارٹ ہے وہ 500 میں ختم ہو جاتا ہے. آپ گوگل کریں ٹی ڈی ایس چارٹ لکھیں, آپ کو مل جائے گا, وہ 500+ لکھا ہے, ختم ہو جائے گا. اب اگر آپ یہاں پہ چلے جائیں, یہ فیروز پور روڈ سائڈ پہ آگے نکل جائیں تھوڑا, یہ اٹاری دربار سے میں نے خود چیک کیا ہے, 1100-1200 ٹی ڈی ایس کا پانی نلکوں میں آ رہا ہے. گورا کہتا ہے جی 500 کے بعد یہ ہے ہی کچھ نہیں, ہمارا 1200-1400 عام چل رہا ہے. میں جہاں پہ رہتا ہوں جس جگہ پہ وہاں پہ 600+ ہے. یہ آپ ادھر ڈی ایچ ایم میں فیز 5-6 میں چلے جائیں 500+ ہے, کیونکہ گندے نالے چل رہے ہیں, یہ پیکیجز کی ویسٹ آ رہی ہے. جی جی, کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ ہی نہیں ہے, ہمارا تصور ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے جی کہ اور یہ جو پانی کی کمپنیز جگہ 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 انہوں نے لگائی ہیں, ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے, اس کے اوپر یہ سسٹمس جو ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. اور ایون پانی تو دور کی بات, وہ پانی جن بوتلوں میں بک رہا ہے وہ بوتلیں بھی بہت ساری حلال مٹیریل کی نہیں ہیں. اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, معمولی سی چیز ہے, موسٹلی لوگوں نے دیسی ریفیبرش یا چائنیز پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, وہ کمپریسر چاہیے ہوتا ہے, اس میں کمپریسر 2-4-5 لاکھ روپے کا وہ ملتا ہے جو آئل والا کمپریسر. اب جو کمپریسر چاہیے آپ کو وہ ہے آئل فری, وہ کو 3 کروڑ کا ہے, وہ پاسبل نہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے 12 لاکھ روپے میں پورا پلانٹ لگا دینا, اب وہ 3 کروڑ کا کمپریسر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یا تو جو اکثریت پیٹ بوٹلس کی ہے نا وہ بھی حلال مٹیریل نہیں ہے. بالکل. اور جو کمپنیز چاند میں جانتا ہوں, یہ سارے ہمارے یار دوست ہیں بوتلیں بنانے والے, جو کہ ورلڈ اسٹینڈرڈ کے اوپر کام کرتے ہیں, کاسٹ انکریز ہوتی ہے, کاسٹ انکریز ہوتی ہے تو وہ پے کرنے پہ تیار نہیں ہے کیونکہ وہ منافع زیادہ کمانا چاہتے ہیں. حالانکہ اس میں اوبسین قسم کی پروفٹیبلٹی ہے, پانی کے کام میں نا اوبسین قسم کی پروفٹیبلٹی. جی جی بالکل. لیکن اس کے باوجود وہ لالچ میں آ کے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے میں, وہ کتنا فرق پڑے گا میاں صاحب, 2-3 روپے بوتل پہ فرق پڑ جائے گا. ایسے ہی وہ 14-15 روپے اگر کما رہے ہیں تو وہ 2 روپے دینے پہ, وہ کوالٹی کی بوتل کے اوپر وہ خرچنے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ پیٹ بوتل میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑی خطرناک اس میں بات ہے, بے شمار آرٹیکلز اس کے گوگل پہ بھرے ہوئے ہیں. یہ چند ایک میجر کاز جو عورتوں میں بریسٹ کینسر ہے, یہ کئی بار ٹی وی اینکرز کو دیکھتا ہوں وہ پنک ربن لگا کے پھر جی جی. ان کو آپ کہیں کہ او بھائی اے ربن بننے کی بجائے نا تھی لوگوں نے سمجھاؤ, اویئرنیس دی, ان کو بتاؤ کہ اس وقت میجر کاز جو خواتین میں بچیوں میں مارا ہے پیٹ بوٹل, وہ پیٹ بوٹل ہے, کیونکہ جو ٹیمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کا وہ مٹیریل بیچ میں وہ شامل ہوتا ہے جو کہ ڈینجرس ہے. وسیم صاحب یہ تو آپ نے بہت ہی یعنی کہ انتہائی ڈارک قسم کی اور بڑی پریشان کن پوزیشن بتا رہے ہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو پانی تو ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے دینا. اور جب ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر اوقات کہتے ہیں,
तो अभी मुझे साइड एरियाज में अगर हम जाएं, आप तो फिर अर्बन एरियाज की बात करें जहाँ पे पानी का ये मसला इश्यूज है, तो साइड एरियाज में अगर रूरल एरियाज में जाएं, स्पेशली अब सिंध में इंटीरियर में चले जाएं, तो वहाँ पर तो हमने ये भी देखा है कि भी वो एक तालाब में से जहाँ पर एक जानवर कोई गधा पानी पी रहा है, वहीं से एक इंसान भी पी रहा है। तो यहाँ पर तो ये पानी का जो मसला जो है वही बात आ जाती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये साहब बात जरा तल्ख हो जाए कि मुझे शुगर कोटेड बात करनी आती नहीं जी, प्लीज मैं चाहूंगा वो भी जो सिंध में हम देख रहे हैं ना जी, मुझे कम से कम कुछ 40 साल हो गया देखते हुए कि वो तीन औरतें जी जी सर पे 8 घड़े रख के 5 मील सहरा में वो वैसे यार वो औरतें जो 40 साल से वॉक कर रही हैं, उन्होंने वो कहना उन्होंने डिफेंस चार कनाल का घर बना कोठी बनाई हुई है, वो दो झोंपड़ियां वो पानी के पास बना लो, यानी कि आपका मतलब वो भी एक सारा यानी कि क्रिएट किया हुआ है, सब क्रिएट किया हुआ है जी। हमारी हुकूमतें इंतहाई जाहिल लोगों की है। वो इलाका मेरी बहुत रिसर्च है जी उस पर, थार पर, थार जो है उसका एरिया तकरीबन कोई 19,500 स्क्वायर किलोमीटर है, वो दैट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ इसराइल और पाकिस्तान के 10-12-15 बड़े शहर जो हैं, जिसमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिशावर, सियालकोट, वज़ीराबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, सारे मिला लें ना तो दैट इज़ नॉट इवन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब इतने बड़े एरिए को आपने खाली छोड़ा हुआ डेजर्ट समझ, डेजर्ट समझ, अब डेजर्ट में सऊदी अरब भी है, डेजर्ट में इसराइल भी है, डेजर्ट में ये यूएई भी है, डेजर्ट पूरा जीसीसी आप कह सकते हैं मोस्टली डेजर्ट में है। वो डेजर्ट के अंदर से टूरिज्म गंदम गंदम उगा के एक्सपोर्ट कर ठीक है। कुछ मेरा वक्त पहले मैंने इस पे जब काम शुरू किया तो मैंने कोशिश की कि एक दो प्रीवियस जो कमेंट्स थी उन तक मेरी बात पहुंचे और उनको मैं कोशिश करूं, वो सिर्फ हंसने के अलावा नहीं करते, वो कहते हैं जी वो डेजर्ट दे की हो सकता है, तो उन गधों को आप बताएं कि डेजर्ट का जो लाइफ स्टॉक है, वहाँ की जो गाय भैंस हैं, वहाँ पे जो बकरियां होती हैं, वहाँ पे जो सब्जियां होती हैं, वहाँ पे जो फल होते हैं, ठीक है जी, आप खजूरें उगाएं, आप ये जितनी आपकी दालें चने हैं सारे ये उस इलाके के हैं, ठीक है। हम इतना कुछ कर सकते हैं अगर हमारी नीयत ठीक हो कि देखें हमने जो आज तक तरक्की नहीं की ना, कर्जे चढ़ते रहे। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है उसको कहते हैं बिग बिग पुश। आप ये बैठ के कहते हैं जी कभी तालीम होनी चाहिए, कभी कहते हैं जी हेल्थ केयर होना चाहिए, कभी ये जो बिग पुश है वो कहती है कि जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बढ़ जाती है, जब आपके कर्जे जो है वो 23,000 अरब क्रॉस कर जाते हैं या 50,000 अरब क्रॉस कर जाते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको किस सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फिर आपको हर सेक्टर में ज़रूरत होती है, और वो हर सेक्टर की जो डेवलपमेंट है सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, जब आप नए शहर बनाएं। बिल्कुल, हमने 70 साल में कितने नए शहर बनाए, कोई भी एक भी नहीं। एक हमने बनाया इस्लामाबाद और एक हमने इस कौम को बेवकूफ बनाया हुआ ग्वादर के नाम पर। आपको पता है ग्वादर का जो पानी है उससे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उससे आप कपड़े नहीं धो सकते, उससे आप नहा नहीं सकते, ठीक है। वहाँ पर जो ट्यूबवेल का पानी भी है उससे आप एग्रीकल्चर कोई नहीं कर सकते, दैट इज ऑल ब्लडी बैरन डेजर्ट, वहाँ पानी नहीं है, ऐसा तुम प्लॉट बेच बेच के लोगों को पागल कर रहे। एक सिस्टम चाहिए था इनको पहले बनाना जी, बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट चाहिए थी उसके लिए पर प्लान। अच्छा अब बात यह है जी कि हम जब तक नए शहर नहीं बनाते और अगर हमारी ये मदीना की या मक्का की या जो भी हुकूमत बनानी है मुझे उससे लेना देना नहीं है जी, मुझे मक्के मदीने की जो हुकूमतें थी उनसे ज़्यादा मुझे मेरे जो यहाँ पे बहन भाई है ना 22-24 करोड़ लोग, मुझे उनकी उनकी obviously वो है, क्योंकि मेरा मुझे इतना पता है कि इस मुल्क का जो एसेट है ना वो उसकी यूथ है, ठीक है,
जब आपके 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 30 साल या इससे कम उम्र की हो, तो इससे बड़ा हथियार आपके पास और कौन सा? कौन सा आप उनके लिए सोच ही नहीं रहे, और उनके लिए आपको ये जो वो खड़े मार देते हैं ना, हम 1 करोड़ घर बना देंगे, हम ये जो है 50 लाख जो है हम पता नहीं क्या कर देंगे, सर मैं कहता हूँ 1 करोड़ नहीं, आपको 10 करोड़ नौकरियाँ मिल जाएंगी, आपको 50 लाख घर नहीं, आपको 5 करोड़ घर बन जाएंगे, आप उस तरफ चलें तो सही जी। वो आप लाहौर में नहीं बना सकते, वो आप इस्लामाबाद नए शहर बात करने पड़ेगा, आपको नए शहर बात करने पड़ेंगे। जब नए शहर बात करेंगे तो वो आपको वहाँ पे स्कूल भी चाहिए, आपको कॉलेज भी चाहिए, आपको यूनिवर्सिटीज चाहिए, आपको हस्पताल चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको रेलवे स्टेशन चाहिए, आपको शॉपिंग मॉल्स चाहिए, आपको फैक्ट्रीज चाहिए, आपका हर चीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। निकल्सन रोड लाहौर से निकलने वाला पलने वाला और खेलने वाला लड़का सेंटर मॉडल से होता हुआ और मुख्तलिफ नशेब व फराज देख कर ख्वाबों की तबीर तक पहुंचने वाला वसीम अनवर बेग साहब, आप बताइए थोड़ा सा और हमें तफसील में कि वाटर के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है माशाल्लाह, ठीक है, और आपका क्या गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन है, कुछ इसके ऊपर कुछ शेयर करें आप उनके साथ ताकि फ्यूचर में आने वाली नस्लों को महफूज किया जा सके। सर बड़ा पीछे ले गए हैं मुझे, निकल्सन रोड जो है मैं पैदा हुआ जी वहाँ पे, दिस इज़ वे बैक इन 1962, बचपना मेरा वहाँ गुजरा, सेंट मॉडल स्कूल, और मैं मिस करता हूँ आज भी, अगर मैं मेरे से कोई पूछे पाकिस्तान में भी पढ़ने का मौका मिला जी, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो उस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी, एक बहुत बड़ा एजाज की बात थी, और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री अल्लाह ताला ने उससे नवाजा, उस वक्त वाकई ना ये एक प्राइज डिग्री थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लम्स नई बन रही थी जब मैं गया हूँ 1986 में, बाकी तो किसी का नामो निशान था नहीं, तो वो चंद 40-50 स्टूडेंट्स होते थे जो एक साल में जिनको एडमिशन मिलता था, तो वो कहते होते थे लकी फ्यू, लेकिन जी ये सब वो जो कारों के पीछे आप पढ़ते हैं ना, ये मेरी माँ की दुआ है और ये मेरे बाप की दुआ है, वो सर वाकई जी वो आज अगर मैं गौर करूँ तो वो आज उस छोटी सी तंग सी गली से निकल के जो ज़िंदगी का सफ़र जहाँ तक आज पहुँचे हैं बड़ा ही खूबसूरत है जी, लेकिन उसको मिस करते हैं, और जो मेरे सारा बचपन की जो याद है या मेरे एजुकेशन कैरियर की जो खूबसूरती है जिसे मैं आज कंपेयर करता हूँ, वो मेरे गली मोहल्ले के लड़कों के साथ साइकिल पर स्कूल जाना था, और मेरा स्कूल मेरे घर से को 3 मील दूर था, कोई 4.5-5 किलोमीटर, वो लाहौर भी चेंज होगा तब जी, मैं ये बताने लगा हूँ जी कि उस वक्त वालदैन अपने बच्चों को बड़े खुशी से और तसल्ली से साइकिल पे सड़क पे स्कूल जाने देते थे, आज मैं नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा जो है वो यहाँ से निकल के किसी दूसरे ब्लॉक में भी साइकिल पे चला जाए, लाहौर वो महफूज नहीं है। तो ये तो थी जी वो बचपन की बात। हाँ अब आते हैं जी, यकीनन जी गवर्नमेंट से मुलाकातें रही हैं, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से भी रही है, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इसमें भी चंद एक वेरी हाई अप्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, उनसे भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, जो कि पानी के ऊपर जिनका इस वक्त काफ़ी जो है अमल दखल है, लेकिन मेरी कभी भी सरकार से बनी नहीं, ना बनेगी और ना बन सकती है, क्योंकि वो जो लोगों को जिन ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया होता है, जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, और लेट मी पुट इट दिस वे, जो ये हरामखोरियाँ करते हैं सर वो हराम मेरे जीन्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए सरकार मेरे साथ नहीं चल सकती, मैं खुश हूँ मैं जो कर रहा हूँ। अब मैंने जी कोई 25 साल मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में गुजारे हैं, 9-10 साल अमरीका में रहा, मलेशिया में रहा 2-3 साल, और वो सारा कुछ छोड़ सा बड़ी खुशी से मैं पाकिस्तान में आया,
زبردستی نہیں ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ سیٹل لائف چھوڑ کے پاکستان کی سرو کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. میں سر آج بڑا اوپنلی آپ کو کہتا ہوں, میں آئی لو امیرکا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ان سے نظریاتی اختلاف نہیں ہے, بڑی خوبصورت زندگی ہے, لیکن میری دنیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میری دنیا یہی ہے, یہ میرے لوگ ہیں, مجھے رکشہ مٹی ڈینگی, مجھے میں ان سے بودر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, میں انہیں میں پیدا ہوا, میں نے انہیں میں مرنا ہے. تو جب آپ کے یہ یقین ہوتا ہے نا, پھر آپ کو مجھے پیار اپنے ملک سے, مجھے اپنے ملک کے لوگوں سے پیار ہے. اور یہی چیز تھی جو میں نے اپنا ایک کیریئر چھوڑ کے 25 سال کے بعد جو میں نے سوئچ کیا, تو بات یہ ہے کہ اس میں مجھے گنجائش نظر آئی کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے جی کہ میں اپنے کام کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک نو ڈاؤٹ کمرشل سائڈ ہے, ہم اس میں پیسے بناتے ہیں اور اچھے خاصے بناتے ہیں. دوسری سائڈ یہ ہے کہ وہ اس کی ہے, اسے میں کہتا ہوں پبلک سروس ہے. اب یہ میری زندگی کا مشن ہے, یہ وہ کام ہے جو کر کے مجھے ایک فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد, کسی جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے کام ہوں. اور صاف پانی سے بہتر خدمت نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم صاف ہیلدی پانی پینا شروع کرتے ہیں تو ہماری کوئی 90% سے زیادہ جو ڈاکٹروں کی اور ہسپتالوں کی ضرورتیں ہیں وہی ختم ہو جائیں گی. ہم ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں, اور صحت مند معاشرہ جو ہے وہ آگے جا کے مستقبل میں ہمیں ترقی کرنا ہے. سر بیسک ہے ہی واٹر, اور اس کے اوپر جتنی ڈبیٹ کی جائے جتنی ڈسکشن کی جائے کم ہے. اچھا وسیم صاحب, بہت ساری جگہوں پر ری فلنگ کا ایشو بھی ہے, بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں, اداروں میں, میریج ہال میں ہم نے دیکھا ہے, ہوٹلز میں دیکھا ہے کہ پانی کی فلنگ صحیح نہیں ہوتی, وہ پرانی بوٹلز میں پانی کو ری فل کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اسے چارج بھی کیا جاتا ہے, یہ ظلم بھی ہے دیکھا جائے تو. سر اس میں ظلم بہت بڑا ہے, کیونکہ یہ پانی جو ہے نا یہاں پہ کرمینلی ایکسپینسو. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو چھوٹی پانی کی بوتل ہے وہ 30 روپے کی ہے, یہ 10 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل, اس کی تو کاسٹ 10 یا 12 روپے سے زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس کی جو ریٹیل پرائس ہے نا, وہ پتہ نہیں ہے مجھے ابھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. ہمارے آگے جو فیوچر پلانس ہیں جس کے اوپر وی آر گوئنگ ٹو لانچ آور اون برانڈ, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو 30 روپے والی بوتل آپ کو مل رہی ہے یہ کوئی 10-12 روپے پہ آ جائے, اور جو 50-60 روپے والی بوتل ہے وہ میکسیمم بھی جائے نا تو کوئی 22-25 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اس سے بھی کام کریں. بالکل, جتنی بڑی مارکیٹ ہے جی اس حساب سے تو کم منافع اس میں اتنے ہیں کہ ہمارے یہ جو عاقبت نان دیش قسم کے لوگ ہیں نا, جنہیں مرنا بھول گیا ہے اور جن کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, وہ بےمانیاں کرتے ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, یہ پانی کی بوتل کی آپ کھولتے ہیں تو آپ کو تسلی ہے نا کہ یہ سیل آپ نے خود کھولی. جی جی, وہ کیپ سر کوئی 45 پیسے کی ہے, وہ عام بلک میں جب لینا تو وہ 2600 روپے کی 4000 کیپس آتی ہیں. اس کو وہ کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے بھی لگایا جا سکتا ہے. You don't need a machine to, you know, fix a new cap. Fix کر کے دبا کے پریشر ہے اوپر ڈنڈا مارے کپڑے دھونے والا وہ فکس ہو جائے گی, اور آپ جب کھولیں گے آپ کو لگے گا برانڈ نیو ہے. کوئی روپے 1.5 روپے کا نیا برانڈ نیو لیبل بھی آ جاتا ہے, بوتلیں بھی مل جاتی ہیں. اب اس کے اوپر یہاں پہ میں اور آپ ہیلپ لیس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہاں اتھارٹیز کا کام, یہاں پہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کا رول آ جاتا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کو دینا چاہیے, سندھ فوڈ اتھارٹی کو دیکھنا چاہیے. اس میں فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو لوگوں کو نا موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, ایک اویئرنیس پروگرام چلانے کی ضرورت. بالکل, ورک شاپ ہونی چاہیے اس میں. اس میں جی عام بندوں کو آپ بتائیں کہ یہ پانی کو جو ہے نا, اس کے ٹیسٹنگ میتھڈ جو ہے اکوپمنٹ بڑا سستا ہے. وہ ایک کیمپین ہونی چاہیے جو نیبر ہوڈ واچ ٹائپ ہے نا, کہ آپ کے جو شادی ہالز ہیں یا پان سگریٹ کے کھوکھے ہیں یا یہ جو اور وہ بنے ہوئے ہیں کھانے پینے کی جگہ ہیں یا فوڈ اسٹریٹ پہ, آپ یہ دیکھیں پہلی بات کہ ان برانڈیڈ پانی نہ پیں.
ओके ठीक है, यहाँ पर कुछ 600-700 डिफरेंट ब्रांड्स हैं। वो लगता है कि जैसे अब मैं मिसाल नेस्ले की बोतल है ना, वो आपको बाजार लगेगा नेस्ले की बोतल है, लेकिन वो होगी नहीं। उसके ऊपर रंग वही होंगे, वो कलर स्कीम उसकी वही होगी, साइज मिलता जुलता होगा। तो आप ये देखें वाकई वो है या नहीं। जो जेन्युइन बड़ी कंपनीज हैं उसके अलावा छोटे छोटे ये ना करें जिनको आप जानते नहीं, जुल्म है ना, वही बात आ जाती है अपनी जान के साथ भी। और ये आप वाली बात वसीम साहब, इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है और लोगों को बताया जाए, ठीक है, और ये बहुत नेकी का काम है। वसीम साहब ये बताइएगा, एक आपकी रिसर्च के ऊपर भी, एक आप ये कोई ब्रांड लेकर आ रहे हैं वाटर के ऊपर, वो क्यों डिफरेंट है दूसरे ब्रांड से थोड़ा सा? हमने जी ये एक हमें पुश किया गया, इसमें जो हालात और वाकयात हैं उसने पुश किया, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम सारी बातें कर रहे थे ना कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी बेईमानियाँ कर रही हैं, छोटी हैं वो भी कर रही हैं, मेजॉरिटी जो है वो फॉलो नहीं कर रही। हम कोई अनहोनी चीज़ नहीं करने जा रहे, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्वालिटी WHO ने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं ना, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। ओके, कि अगर वो कहता है कि जी ये क्वालिटी पैरामीटर्स हो, ये क्वालिटी हो इसमें पानी में, तो वो नहीं सही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जितनी मर्जी ये फिल्ट्रेशन कर लें, आप प्रॉपर अगर उसको आपने वो नहीं किया साफ, तो ये हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, एक है जी हेपेटाइटिस सी और एक है पोलियो, बहुत हार वाटर बॉर्न डिजीज, स्किन डिजीजेस भी आ रही है सामने बहुत सारा। तो वो होगी ना, हाँ। जब आप 1100-1200 TDS के पानी से या कसूर के वो तेजाब मिले हुए पानी से नहाएंगे, या फैसलाबाद के आप वो जो गटर का पानी मिक्स हुआ से नहाएंगे, तो आपको स्किन इशू, और स्किन इशू जी इस पर भी आपने काफ़ी काम किया है, इस कदर ये कॉमन है, लेकिन लोग झिझकते हुए शर्माते हुए वो इवन ये बच्चे बच्चियाँ अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते कि उनको कहाँ कहाँ पे खुरक पड़ी हुई। बिल्कुल उसकी रीज़न, ये बिल्कुल उसकी रीज़न पानी है, पानी है, ठीक है। अब बात ये है जी कि लेकिन लोग क्या करें, उसी सब वही बात है, लोगों को च्वाइस नहीं है। जैसे स्किन्स की भी बात हो रही है, आप कैंसर की भी बात इसकी वजह से हो रही है, कॉज हो रहा है, मेन यही है, और भी डिजीजेज हैं, लेकिन लोगों के पास वही बात है च्वाइसेस नहीं है। मार्केट में जो ब्रांड्स हैं नाम नहाद ब्रांड्स, ठीक है, अगर उनकी भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है बहुत थोड़ी देर अरसे पहले इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिया था, और बहुत सारी रिसर्चेस सामने आई थी, टेस्ट लेबॉरेटरी में टेस्ट भी किए गए थे, और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई थी। तो और पाकिस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, इतनी बड़े यानी कि मार्केट भी है, लेकिन लोगों के पास च्वाइस नहीं है फिर भी के भी पैसे दे के भी कि क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, ये इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए? सर दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, वो तो मेन अवेयरनेस है ही नहीं जी। बॉटल वाटर जो है ना, दिस इज रिलेटिवली वेरी न्यू। बात यह है जी कि हमारी जो मार्केट्स है ना वो ही इस काबिल नहीं है कि हम बॉटल वाटर जो है उसको इस्तेमाल करें। ये हम बाहर से देखा देखी आगे वो है जी, उनके स्टोर्स हैं एयर कंडीशन है, उनकी गाड़ियाँ एयर कंडीशन है, उनके घर जो है वो सेंट्रली एयर कंडीशन है जी जी। अच्छा वो बोतल जो है इसकी वही एक सर्टेन टेम्परेचर से जब ऊपर आती है तो वो केमिकल पानी में शामिल हो जाता है। हमारे तो आप देखें ये पानी के पैलेट जो हैं वो दुकानदारों ने बाहर रखे होंगे अपने बरामदों में या दुकान के बाहर, दुकानों में जगह ही नहीं क्योंकि पानी ना जगह घेरता है। वो कहता है जी ये मैंने जितनी पानी की बोतलें रखनी हैं मैं इतने जूस के डब्बे क्यों ना रख लूँ, या मैं चाय के डब्बे क्यों ना इतने रख लूँ जो कि ज़्यादा उसको मुनाफा जिनमें मिलता है। वो पानी उठा के बाहर, आप जितनी भी दुकानें हैं यहाँ देखें कि पानी धूप में पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा आप हेल्प करेंगे कि अगर आपका ऑडियंस जो है ना वो जो पानी की बोतल बाहर पड़ी हुई है वो खरीदनी बंद कर दें, वो डेंजरस है। बिल्कुल, वो जो भी बोतल है दुकान में बाहर पड़ी हुई है धूप में अब उसे खरीदना, उसके ब्रांड्स में देख रहा हूँ लाहौर में, मैं नाम नहीं ले रहा जी, मैं आपके ऑडियंस को खुद छोड़ता हूँ उनकी जजमेंट पे। अगर कोई दुकान एयर कंडीशन नहीं है, उन्होंने पानी फ्रीजर में नहीं रखा हुआ, आप वो पानी बंद,
اس سے بات بھی وہی آ جاتی ہے اویئرنیس کی, اور اس کے اوپر واقعی نو ڈاؤٹ جس طرح سے آپ نے انیشیٹو لیا ہے اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, مجھے اس کے لیے بہت خوشی بھی اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ہم. اس میں ہمارا دارا بھی آپ کے ساتھ ہے جہاں تک ہماری ضرورت ہو, اس میں اویئرنیس پروگرام کریٹ کرنے کی, لوگوں کو بلانے کی, انوائٹ کرنے کی, اور فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے ہم ایک کچھ اس طرح کی ورک شاپس کرتے ہیں جس میں لوگوں کو جتنا بھی ہو جائے. اچھا سر میری سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میری ملاقات ہوئی ایک صاحب وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, ان کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا, ان کا نام ہے ڈاکٹر فرحان اگر میں غلط نہیں ہوں, تو میری کو دو تین سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی. اور سر میں نے گزارش کی تھی, میں کہا یہ جو ٹی وی کے یا اسٹوپڈ قسم کے وہ آپ سنسیشنل وہ پروگرامس نہیں کرتے, وہ کیمرہ پکڑا ہوتا ہے ایک, وہ چٹ 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 کرتی ہے ایک زنانی جو مائک پکڑ کے دندناتی گھس جاتی ہے, وہ سر یہ کام بند کر دیں کیونکہ ہار بتانا 250 روپے کی پانی کی بوتل نہیں خرید سکتا. یہ وہ بیک یارڈ انڈسٹری ہے جو کہ 40-50 روپے کی بوتل دیتی ہے, جو کہ ہمارے بادامی باغ اور یہ لیس پرویلیج ایریا اور وال سٹی سارا ان لوگوں نے وہ پانی خریدنا ہوتا ہے. سر ان لوگوں کی پکڑ دکڑ کی بجائے ان کو آپ ایجوکیٹ کریں, اور سرکاری سطح پہ جو پلانٹس لگانے کی آپ فوڈ اتھارٹی کو لیبس بنا کے دیں, اور مختلف شہر کے حصوں میں 5-6 لیبس بنا دیں, کتنے پیسے بنتے ہیں اس پہ, وہ کروڑ روپے بھی نہیں لگیں گے, اور وہ 4-6 لیبس بنا دیں, اور یہ جتنی وہ یہ بیک یارڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں نا ان کو آپ ٹیون کریں جی, ان کو آپ بڑی آسانی سے, ان کے پاس اکوپمنٹ میجورٹی کے پاس ٹھیک ہے, صرف انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے, یوز کیسے, آپ ان کے پراپر استعمال کو سمجھا دیں تاکہ ایک عام بندہ جو ہے نا اس کو فائدہ ہو, کیونکہ جو امیر آدمی ہے نا وہ تو آپ کا پانی پیتا ہی پیتا نہیں ہے, وہ تو ایوین پیتا ہے, اس کو تو چاہے آپ کو 500 روپے کی بوتل, وہ کئی میں دیکھتا ہوں وہ شیشے کی بڑی مہنگی مہنگی بوتلیں جو ہیں وہ 500-600 روپے کی بوتل پی جاتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, میرا مسئلہ وہ نہیں ہے, میرا مسئلہ وہ جو 50 روپے کی بوتل خرید رہے ہیں نا, میرا مسئلہ وہ ہے, اور میں جو اب اس کے اندر چھلانگ مارنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس پندے کو جو 200-250 روپے کی بوتل نہیں افورڈ کرتا, ہم اس کو کم پیسوں میں اچھی کوالٹی پروڈکٹ پرووائڈ کیجیے, کوالٹی ورلڈ جو دنیا کا اسٹینڈرڈ ہے ڈبلیو ایچ او کا اس کے مطابق پرووائڈ کریں. ویری گڈ, آپ چلڈرن ہاسپٹل میں چلے جائیں, سر آج آپ کا بچوں میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ڈائریل ڈیزیز ہے, ہم ہر 30 سیکنڈ میں ایک جان مری جا رہی ہے صرف ڈائریل, بیکاز ڈائریا, آئی نو, آپ چلیں چلڈرن کمپلیکس میں چلے جائیں دیکھیں کیا حال ہے, اور بہت سارے بچے ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پیٹ بوٹل واٹر پینے سے خراب ہو گئے. وسیم صاحب ہونا تو ایسے چاہیے کہ فوڈ کے اوپر, کھانے پینے میں, پانی پینے میں کوئی اس کے اوپر کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیں, جی سی سی میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, وہاں پر اس لیے وہ لوگ اسٹیبل ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام میں ایک تو اویئرنیس وہی بات ہے, سیکنڈ وہ کوالٹی کے اوپر پروڈکٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہم جوتا پہن لیں گے یعنی کہ شرٹ بہت اچھی برانڈ کی پہننے کی, لیکن جب پانی خریدنے کی یا پینے کی یا کھانے کی کچھ ٹائم آئے گا تو اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر جائیں گے. سر ہم یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں, میرے لیے جی ایک بڑی خوشی کی ہے, بڑے فخر کی بات ہے, دنیا میں سب سے اسٹرکٹ جو اپنا کوالٹی اسٹینڈرڈس ہے نا پانی پہ اور کھانے پینے کی چیزوں پہ وہ مڈل ایسٹ میں, جی سی سی وہی مڈل ایسٹ میں, آپ چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں, جی جی کہیں بھی آپ یہ دبئی شبئی میں چلے جائیں, کویت میں چلے جائیں, کہیں بھی آپ کی وہ آتا ہے بلدیا کا بندہ, ایون روٹی کا وزن پورا نہیں نا بند سیل کرتا ہے. جی بالکل وہی لی بات ہے, وہاں پر پاسبل. وسیم صاحب ویسے تو آپ کی ساری باتیں بہت انسپریشنل اور بہت ماشاء اللہ, اور ہماری بیسٹ وشیز بھی آپ کے ساتھ ہیں, کوئی ایک میسیج عام بندے کے لیے اسی حوالے سے ہمارے چینل کے, یعنی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات اتر جائے آپ کی تو شاید اس کا اچھا ہو جائے. جی یہ ہے کہ میں ایک فیور بھی آپ سے چاہوں گا. جی پلیز. ہم نے بہت سارے پروگرامس جو ہیں وہ ڈیزائن کیے ہیں, پانی جو ہے یہ بڑی اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے, اور بے شمار کاروباری اپرچونیٹیز ہیں آپ کے ساتھ, آپ لوگ آئے ہیں ہماری ٹیم میں شامل ہوں,
और इसमें हम आपको वो नौकरियां नहीं ऑफर करते, हम आपको बिजनेस ऑफर करते हैं, इंडिपेंडेंट आप कारोबार करें और नौकरियों से बहुत ज़्यादा बेहतर। वो आजकल एक वो बीमारी चली हुई है जी, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो क्या कहते हैं उनको, वो ये रॉन्ग नंबर्स जो मैं आपको कह रहा था ये इससे पहले, ये जो है बिफोर इंटरव्यू हमारी आपस की टॉक जो, हाँ जी वो रिकॉर्ड पे ले आते हैं ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो ना, कि ये मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स जो हैं ये इनके चक्रों में ना पड़े, अपना खुद दिमाग खोलें, खुद दिमाग से फैसला करें। हम हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ गाइडेंस दें कि आपको रास्ता दिखा देंगे कि भाई ये तुम्हारे वसाइल हैं, ये तुम्हारा रास्ता है, इस पर चलना तुमने खुद का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है जी, कि मैं वो कोई अपना सियासी सा बयान या मैसेज नहीं देना चाहता, हमारे आजकल के जो हालात हैं उसमें एक आम बंदे की ज़िंदगी ना जीर्ण हो गई है और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, तो उसके लिए हम सिर्फ वी वांट टू हेल्प देम सिंसियरली कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके अंदर आए, जब खुशहाली आएगी उनके अंदर तो डेफिनेटली वो जाहिर है कि अपना ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करेंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देंगे, अच्छी हेल्थ केयर भी देंगे और हमारा माशरा जो है वो तरक्की करेगा। वसीम साहब अगेन थैंक यू, आपका आपने बहुत कीमती टाइम दिया हमें और अगेन हमारी विशेज आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस नए कॉज में। अगेन हम मिलते हैं सेम है जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।